हमारा है लेक्चर नंबर 3 इन अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखें हम इस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट वन देखते हैं, फ्रॉम एसिल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड हाउ विल यू प्रिपेयर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। हम लेते हैं एसिल क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एन, इसमें इज कॉल्ड एज एसिल क्लोराइड। देन एसिड क्लोराइड अंडर रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट पैलेडियम एंड पॉइजन्ड विथ बेरियम सल्फेट, देन दे फॉर्म आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अल्डिहाइड एंड रिमूव एच सी एन, इसमें इज आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अल्डिहाइड। दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रोजेनमोंड केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिड क्लोराइड टू अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट पैलेडियम एंड पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट वन, हाउ विल प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड। देयरफॉर यू कैन राइट हियर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम फर्स्ट यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन्स आर एम जी एक्स, दिस वन इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हेन टू मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ कैडमियम क्लोराइड, दिस वन इज कैडमियम क्लोराइड, देन दे फॉर्म डाई अल्किल कैडमियम, दिस वन इज आर टू मीन्स डाई, आर मीन्स अल्किल, टू मीन्स डाई, आर मीन अल्किल, डाई अल्किल कैडमियम प्लस एम जी सी एल टू। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब ये डाई अल्किल कैडमियम, इफ दिस डाई अल्किल कैडमियम रिएक्ट्स विथ एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड मीन्स आर सी डबल ओ सी एल, अगेन टू टाइम्स इस रिएक्ट करेगा ये डाई अल्किल कैडमियम, देन दे फॉर्म एलिफेटिक कीटोन्स। किस तरह होता है ये, आर सिंगल डबल सी डबल बॉन्ड ओ अगेन आर टू मोस होता है। अब यहाँ से रिमूव होगा कैडमियम टू सी एल मीन्स कैडमियम क्लोराइड, देयरफॉर वी कैन प्रिपेयर एलिफेटिक कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज वेल एज कैडमियम क्लोराइड। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दिस एसिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ डाई अल्किल कैडमियम, डाई अल्किल कैडमियम, देन दे फॉर्म कीटोन्स एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन्स एंड रिमूव कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन, हाउ विल यू प्रिपेयर एरोमेटिक कीटोन्स विद हेल्प ऑफ एसिल क्लोराइड। तो इसमें हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं थर्ड वन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ एसिल क्लोराइड। सिंपल वन, इफ वी टेक एरोमेटिक रिंग मीन्स इफ वी टेक बेंजीन, देन बेंजीन ट्रीटेड विद एसिटिल क्लोराइड मीन्स सी एच थ्री सी ओ सी एन, दिस वन इज एसिटिल क्लोराइड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री बाय स्लाइट हीटिंग
देन दे फॉर्म एरोमेटिक कीटोन्स सीओ सी एच थ्री एसीटोफिनोन एसीटोफिनोन प्लस. देखते हैं हम यहाँ पर क्या लगता है सीओ सी एच थ्री इसमें इज कॉल्ड एज एसीटोफिनोन. अगेन क्या रिमूव होता है हमारा एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड. देयरफॉर वी कैन से दैट प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ एसिल क्लोराइड सिंपल वन है बेंजीन ट्रीटेड विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट अनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री बाय स्लाइट हीटिंग देन दे फॉर्म एसिटोफिनोन मीन्स एरोमेटिक. ये क्या हुआ बेंजीन रिंग एरोमेटिक कीटोन. नेक्स्ट वन अब देखते हैं हम ये क्या था एसिड क्लोराइड. अब सेकंड वन हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स. इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स. वेन अल्केन नाइट्राइल. हियर आर क्या हुआ अल्केन सी एन नाइट्राइल. वेन अल्केन नाइट्राइल अंडर रिडक्शन मीन सेम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड मीन्स एस एन सी एल टू एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन दे फॉर्म. अब देखते हैं ये टू एच क्या होता है फर्स्ट एच सी एच बनता है अगेन सेकंड एच एन एच एंड एच सी एल क्या बनता है यहाँ पर आर सी एच अगेन वन बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या फॉर्म हुआ सी एच अगेन डबल बॉन्ड एन एच अगेन एच सी एल होता है क्लियर टू एच है बॉन्ड ब्रेक हुआ वन एच हियर एंड अगेन एच सेकंड एच एन एच क्या बनेगी आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच एच सी एल यह बनता है इमिनी हाइड्रोक्लोराइड क्या बनता है इसे हम क्या कहेंगे इमिनी है ना ये इसे हाइड्रो ये क्या हुआ क्लोराइड अगेन अंडर एसिडिक हाइड्रोजिनेशन मीन्स सी एच थ्री ओ प्लस जब इससे रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करेगा इस एच थ्री ओ ओ कहाँ पर बनेगा सी एच ओ इस तरह बनेगा आर सी एच ओ प्लस क्या रिमूव होगा एन एच फोर सी एल एन एच फोर सी एल दिस वन इज अवर अल्डिहाइड होता है सिंपल वन है व्हेन अल्केन नाइट्राइल अंडर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एस एन सी एल टू मीन्स स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे फॉर्म इमिनी हाइड्रोक्लोराइड होता है क्लियर ये क्या कहलाएगा इमिनी हाइड्रोक्लोराइड अगेन अंडर एसिडिक हाइड्रोजनेशन दे फॉर्म अल्डिहाइड एज वेल एज एन एच फोर सी एल. इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं वेन इथेन नाइट्राइल इथेन मीन्स सी टू एच फाइव किस तरह लिखते हैं हम इसे वेन इथेन नाइट्राइल सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन मीन्स टू कार्बन है क्या रह गई है इथेन अगेन ट्रिपल बॉन्ड एन क्या रह गई है नाइट्राइल वेन इथेन नाइट्राइल अंडर रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एस एन सी एल टू एज वेल एज एच सी एल दे फॉर्म. अब देखो यहाँ पर क्या बनता है इमिनी था यहाँ बनेगा इथा निमी क्या बनेगा यहाँ पर सी एच थ्री सी एक एच कहाँ रहेगा सी एच वन बॉन्ड ब्रेक हुआ डबल बॉन्ड एन एच एज वेल एज एच सी एल होता है टू कार्बन है क्या कहलाएगा ये इथा निमी अगेन यह है हाइड्रोक्लोराइड अगेन अंडर एसिडिक हाइड्रोजिनेशन वो अटैक करेगा या फॉर्म करेगा यहाँ पर हमारा सी एच थ्री
सी एच ओ प्लस अगेन रिमूव करेगा एन एच फोर सी एल, क्या बनेगा हमारा यहाँ पर टू कार्बन है, क्या कहलाएगा ये इथेन से अल्डिहाइड ग्रुप है, क्या करेगा ई चेंजेस टू एल फॉर्म करेगा इथेनल एंड अमोनियम क्लोराइड, होता है क्लियर। नेक्स्ट वन अगर हम लेते हैं यहाँ पर इसे चेंज करते हैं, क्या लेते हैं बेंजो नाइट्राइल, मीन्स यहाँ पर क्या लेंगे हम सी सिक्स एच फाइव लेते हैं, वेन बेंजो नाइट्राइल होता है ये सी सिक्स एच फाइव, क्या कहलाएगा ये बेंजीन रिंग से बेंजो नाइट्राइल अंडर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एस एन सी एल टू एज वेल एज एच सी एल देन दे फॉर्म, यहाँ क्या था इथेनिमी था, अब यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ बेंजोनिमी मीन्स सी सिक्स एच फाइव, अगेन एच कहाँ रहेगा सी एच, अगेन यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड, इस तरफ बनेगा एन एच, अगेन क्या फॉर्म एच सी एल, क्या बन जाएगा ये बेंजोनिमी बेंजोनिमी हाइड्रोक्लोराइड, अगेन दिस वन एसिड हाइड्रोजिनेशन वो अटैक करेगा, क्या फॉर्म क्या रिमूव करेगा एन एच फोर सी एल, किस तरह से बनेगा ये सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ प्लस एन एच फोर सी एल बनता है, क्या नाम हो जाएगा इसका बेंजाल डिहाइड, बेंजाल डिहाइड, देयरफॉर वी कैन से दैट बेंजो नाइट्राइल अंडर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एस एन सी एल टू एज वेल एज एच सी एल देन देयरफॉर बेंजोनिमी हाइड्रोक्लोराइड, अगेन अंडर हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ एसिडिक प्रोटोनेशन देयरफॉर बेंजाल डिहाइड एज वेल एज अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स, नेक्स्ट वन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स, किस तरह से होता है ये यहां देखेंगे हम, वेन इथेन नाइट्राइल सी एच थ्री सी ए क्या हुआ इथेन नाइट्राइल, अगेन जब ये रिएक्ट करता है सी एच थ्री एन जी सी एल मीन्स ग्रिग्नास रिएजेंट से, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सी एच थ्री सी एज वेल एज सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन एम जी सी एल, क्या बनाता है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, अगेन दिस कॉम्प्लेक्स अंडर एसिडिक हाइड्रोजिनेशन क्या फॉर्म करेगा हमारा एसीटोन मीन्स कीटोन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री प्लस एन एच थ्री, क्या फॉर्म करता है एसीटोन, इजी है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नास रिएजन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देयरफॉर वी कैन राइट हियर इथेन नाइट्राइल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नास रिएजन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड देन एसिड हाइड्रोजनेशन दे फॉर्म एसीटोन एज वेल एज इवॉल्व अमोनिया गैस। नेक्स्ट वन वेन बेंजो नाइट्राइल मीन्स सी सिक्स एच फाइव सी ट्रिपल बॉन्ड एन, क्या रहेगा ये सी सिक्स एच फाइव मीन्स बेंजो नाइट्राइल, अगेन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नास रिएजन मीन्स सी सिक्स एच फाइव एम जी सी एल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देन दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, किस तरह बनाएगा ये अगेन इस कार्बन पर सी सिक्स एच फाइव अटैक करेगा सी सिक्स एच फाइव एज इट इज हियर कार्बन, यहाँ क्या अटैक करेगा सी सिक्स एच फाइव देन डबल बॉन्ड एन, क्या देगा यहाँ पर रिमेनिंग क्या है एम जी सी एल
अगेन क्या देगा, एसिड हाइड्रोजनेशन फॉर्म करेगा और बेंजो फिनोन, क्या यहाँ पर क्या लग जाएगा और ऑक्सीजन ग्रुप फॉर्म C6H5C अगेन C6H5 डबल बॉन्ड O प्लस, क्या रिमूव करेगा हमारे यहाँ पर अमोनिया गैस, ये बन गया हमारा बेंजो फिनोन। देयरफॉर वी कैन प्रिपेयर बेंजो नाइट्राइड टू बेंजो फिनोन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।